हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधमाधव कुंज बिहार जय राधव कुंज बिहार जय गोपी जन बलब गिरिवर्धा जयगोपीजनाबलभिरिवरधानन्दना व्रज चनरञ्जन शोदनन्दना व्रज जनरञ्जन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा मधब कुंज विहारि जय माधवा कुंज विहारे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम रामा रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा

प्रभुपा प्रभुप प्रभुपाद जय जय प्रभुप जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय जय ग्रंथराज गीता की जय जय निताय ओ हरिहरी भो अज्ञानीरांध्य ज्ञानाजनशलाकय चक्षुन्मीत ये नस्म श्रीगुरवे नमः श्री चैतन्यमनोभीष्ट स्थात ये नूतले स्वयंदा महिम दम विष्णुपदा कृष्ण प्रेस्था भूतले धीमते भक्ति वेदात स्वामी ना मिने नमस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषन्यवादी पाश्चातण पंचकु्य कृपा सिंधुभ्य चीता पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः

हरे कृष्णा श्रीमद् कृष्ण गीता अध्याय छे शीर्षक है ध्यान योग श्लोक क्रमांक पैंतीस श्री भगवाचंश महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासे न तो कांते या वैराग्येन चग्रहियते श्री भगवान वाच असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासे न तो कांते या वैराग्येन चग्रहियते श्री भगवान संशा मनो दुर्ग्रह कौंते वैराग्येण अनुवाद भगवान श्रीकृष्ण ने कहा हे महाबाहू कुत्र निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है तो भगवान ने जब ध्यान योग की प्रणाली अर्जुन जी को समझाई जिसके शुरुआत भगवान ने की वैराग्य घर परिवार समाज से वैराग्य लेकर एकांत स्थान में जाकर ध्यान योग्य जो आसन है वह ग्रहण करना और फिर ध्यान करना तो जो प्रक्रिया समझाई गई थी जिस पर हमने बहुत चर्चा की पिछले पंद्रह से बीस दिनों तक हमने चर्चा की निश्चित रूप से वो जो प्रक्रिया है तो बिना कष्ट किया बिने, बिना डिसिप्लिन के वो प्रक्रिया करना संभव नहीं है जैसे कि कोई भी काम जो थोड़ा सा असाधारण हो कोई भी क्रिया कोई भी कार्य जो थोड़ा असाधारण हो उसके लिए समय स्फूर्णा स्फूर्ति उत्साह और सामर्थ्य इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है समय उतना देना पड़ता है स्फूर्त रहना पड़ता है उत्साही रहना पड़ता है और अपने आप को उतना समर्थ बनाना भी पड़ता है कि हम वह कार्य संपन्न करें वह कार्य कर सकें तो जितना कार्य थोड़ा जटिल हो कठिन हो या थोड़ा दुष्कर हो उतनी ही हमें दृढ़ निश्चय होकर उस कार्य को संपन्न करने में मेहनत करनी पड़ती है जहां तक आप, ध्यान योग की प्रणाली थी जहाँ भगवान कह रहे थे कि ध्यान लगाकर भगवान समझा रहे थे कि आ, किस प्रकार से आ, ध्यान लगाना चाहिए परमात्मा पर और सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करना चाहिए तो यह कार्य थोड़ा सा या काफी कठिन लगता है लेकिन साथ ही साथ जो लक्ष्य प्राप्ति होती है वो भी तो इतनी श्रेष्ठ है ना वो भी तो इतनी महान है जो लक्ष्य प्राप्ति है। मैं लक्ष्य प्राप्त हो रहा वो भी तो अत्यंत ही महान है श्रेष्ठ है तो ऐसे लक्ष्य के लिए अगर मेहनत करनी पड़े तो बुद्धिमान व्यक्ति को उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जानता भी है कि इस लक्ष्य प्राप्ति में अगर लक्ष्य थोड़ा सा असाधारण हो या लक्ष्य जो है सामान्य जनसमुदाय से परे हो उसके लिए विशेष मेहनत करनी पड़ेगी तो ऐसे लक्ष्य प्राप्ति में असफलता मायूसता कठिनाइयां तो आएंगी तो उस संदर्भ में अर्जुन जी ने भगवान से कहा था प्रभु जिस लक्ष्य को उद्दिष्ट बनाते हुए या इष्ट रूपी जो लक्ष्य है ध्यान योग की प्रणाली से उसे संपन्न करना अत्यंत कठिन इसलिए है क्योंकि मन जो है बहुत ही चंचल रहता है मन जो है बहुत ही विचलित रहता है और अगर मन ही चंचल रहेगा विचलित रहेगा तो फिर अपने अभ्यास में हम सफल नहीं हो पाएंगे अगर अपने अभ्यास में ही अपने अपने प्रयास में ही अगर सफल नहीं होंगे तो फिर साधारण विवेक बुद्धि यही कहती है कि फिर प्रयास ही क्यों करना जिस प्रयास में व्यक्ति विफल होना निश्चित है तो फिर उस प्रयास में व्यक्ति लगे ही क्यों उससे अच्छा कोई और प्रयास कर ले और क्योंकि यह प्रयास सुख अनुभूति की है जो आत्म अनुभूति से प्राप्त होती है तो फिर मन चंचल होते हुए अगर यह प्राप्त करना बहुत ही कठिन हो रहा है तो क्यों ना फिर जो तत्कालीन सुख है जो कुछ समय के लिए सुख प्राप्त होता है क्यों ना उसके प्रयास में व्यक्ति लग जाए अर्थात संसार में जो सुख मिल रहा है क्यों ना उसके प्रयास में व्यक्ति लग जाए तो ऐसे संदेह व्यक्ति के मन में आ सकते इस प्रकार के डाउट्स जो हैं व्यक्ति के मन में आ सकते शंका संशय आ सकते और अगर किसी के मन में ऐसे ऐसे शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं या संशय आ रहे हैं तो ऐसा ही इसका अर्थ यह नहीं कि वह व्यक्ति जो है असाधु है वो व्यक्ति जो है दुष्ट है ऐसी बात नहीं प्रामाणिक व्यक्ति के मन में भी ऐसी शंकाएं आ सकती हैं और अर्जुन जी ने आ, मन की जो स्थिति है मन का जो स्वभाव है स्वरूप है उसकी व्याख्या की उस उस संदर्भ में उन्होंने जो विश्लेषण किया वो अति उत्तम है कि मन का स्वभाव है ही वैसे मन का जो वेग होता है वो किसी तूफान से कम नहीं है और हम सब भली भांति इस बात को जानते हैं कितने ही हम शास्त्र अध्ययन कर ले कितने ही आदर्श आदर्शवादी हम वचन सुन ले या कह ले छोटा सा कोई प्रलोभन जो है हमारे मन को विचलित कर देता विशेष करके अगर संसार से हम पूरी तरह से मुक्त नहीं हो गए हैं तो फिर ऐसे प्रसंग हमारे जीवन में आते रहते हैं हर दो चार दिन में जहां पर छोटा सा छोटा प्रलोभन जो है छोटे, छोटे आ, से छोटे परिस्थितियों की वजह से मन विचलित हो जाता है मन में क्रोध उत्पन्न होता है मन में द्वेष उत्पन्न होता है मन में लालच उत्पन्न हो जाती है लालच उत्पन्न होता है तो ये सारी चीजें जो है तो सामान्य, हमारे जीवन में दिखाई पड़ता है तो अर्जुन जी का जो प्रश्न है निश्चित रूप से योग्य प्रतीत हो रहा है और उसका उत्तर भी तो हमें कि अगर जो प्रश्न नहीं है अर्जुन जी ने आ, अपनी आ, स्थिति की व्याख्या की है अपनी स्थिति का जो है स्पष्टीकरण किया हुआ है कि उनकी मनस्थिति कैसी है तो जब श्री अर्जुन अपने मनस्थिति का यहां पर स्पष्टीकरण कर रहे हैं क्योंकि मन को स्थिर करने के उनकी की उनकी प्रामाणिक इच्छा भी है तो निश्चित रूप से भगवान का भी मत सुनना चाहेंगे तो यहां पर भगवान अपना मत व्यक्त कर रहे हैं श्री भगवान उवाच तो अर्जुन जी के क्या सुनकर उनके शब्दों को सुनकर भगवान कह रहे हैं असंशयम भगवान कहते हैं निसंदेह बिना किसी शंका के बिना किसी संदेह के जो तुम कह रहे हो मन दुर्निग्रह मन को निग्रह करना मन को दमन करना दुर्निग्रह कठिन है अत्यंत कठिन है असंशयम निश्चित ही निसंदेह ही महाबाहो महाबाहो शब्द से अर्जुन जी को संबोधित कर रहे हैं कि अर्जुन जो श्रेष्ठ योद्धा हैं जिनके पास बाहुबली है या महाबली है मतलब उनके पास विशेष शारीरिक और मानसिक क्षमताएं हैं बल है महाबाहो शब्द से संबोधित किया अर्जुन को कि हे हे श्रेष्ठ वीर योद्धा हे बलिष्ठ शूरवीर शुरसंदेह मन को मन का दमन करना जो है अत्यंत कठिन है उसका कारण ही यह है कि मन चंचल है चंचल मन का दमन करना अत्यंत ही कठिन है तो श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान श्लोक का पहला दो पद है उसमें भगवान यह कह रहे हैं कि मन का निग्रह करना कठिन है किंतु मन पर निग्रह करना कठिन है तो क्या मेहनती व्यक्ति को अपना प्रयास त्याग देना चाहिए या जो विवेकी व्यक्ति होता है क्या उसने अपना प्रयास त्याग देना चाहिए अर्जुन जैसे जो दृढ़ निश्चय और अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो निश्चित रूप से इस प्रकार के जिज्ञासा करेंगे कि अगर मन अत्यंत चंचल है और ऐसे चंचल मन का दमन करना अत्यंत दुष्कर है तो क्या फिर पूरा प्रयास त्याग देना है या फिर कोई और रास्ता है कोई और उपाय है तो अर्जुन जी की यहाँ पर जो ये अनकही जिज्ञासा है और अर्जुन जैसे अन्य भी बहुत सारे विवेकी पुरुष होते हैं बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं संसार में जो उनकी अनकही जिज्ञासा है यहाँ पर वह भगवान जान समझ रहे हैं जान रहे हैं और उस संदर्भ में भगवान उत्तर दे रहे हैं तो जो आखिरी दो पद हैं श्लोक के वो भगवान के उत्तर हैं उस जिज्ञासा के प्रति जो अन कही जिज्ञासा है कि अगर मन का दमन करना तो मन चंचल है उसका दमन करना उसका निग्रह करना कठिन है तो क्या फिर चंचल मन, मन का अनुग्रह करना चाहिए क्या चंचल मन को स्वीकार लेना चाहिए ये तो कोई बात नहीं हुई तो अगर मन चंचल है तो संसार में भी मन जो है अपने चंचलता के कारण कभी हमें पूरी तरह से सुखी नहीं होने देगा मन अस्थिर है ना किसी एक चीज पर टिकता नहीं तो कब तक ऐसे चंचल मन मतलब ऐसा जो हमेशा मन अस्थिर रहता है कब तक ऐसे मन के साथ व्यक्ति व्यवहार करे और मन अगर भौतिक तत्व है तो क्यों ना हम अध्यात्म के आध्यात्मिक शक्ति से क्यों ना हम मन को नियंत्रण मन को संयमित कर लें? क्यों नहीं तो ऐसी जिज्ञासा निश्चित रूप से किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के मन में उत्पन्न होगी जो उनकी बुद्धि ऐसे कहेगी तो भगवान उसके उत्तर में दे कहते हैं अभ्यासे ना तो कौन ते तू शब्द का प्रयोग करके भगवान कहते हैं तू अर्थात किंतु मतलब किंतु शब्द का जहां पर भी प्रयोग कर लिया जैसे बट किंतु शब्द का प्रयोग करने का अर्थ होता है उसके पूर्व जो भी बात कही गई थी वो गौण है मतलब उसे आगे जो विषय समझाया गया है या समझ हमें जो बात समझाई जाएगी उसके तुलना में जो भी समझाई गई बात वो गौण है वो कम है वो तुच्छ है तो अब जब भगवान कहते हैं अभ्यास है ना अभ्यास करके वो संभव है तो कहने का तात्पर्य यह है कि कितना ही मन चंचल क्यों ना हो कितना ही अति चंचल क्यों ना हो और ऐसे चंचल मन को संयमित करना अति दुष्कर हो फिर भी अभ्यास की जो प्रक्रिया है उसमें इतनी शक्ति होती है कि इतने बलिष्ठ मन को भी संयमित किया जा सकता है अभ्यास की प्रक्रिया में इतनी क्षमता होती है और यहां पर जब अभ्यास शब्द का प्रयोग किया गया है तो अभ्यास जो है समय सीमित नहीं होता अभ्यास का अर्थ यह नहीं है कि चार घंटे आठ घंटे दो दिन चार दिन में आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा अभ्यास शब्द से अर्थ से तात्पर्य निकलता है कि नियम पूर्वक आपको वह क्रिया तब तक करनी पड़ेगी जब तक कि आपका लक्ष्य साध्य नहीं हो जाता इसे कहते हैं अभ्यास जब तक आप अपने अपना तो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आपको नियम पूर्वक प्रामाणिकता से मतलब तो बहुत ही डिसिप्लिन होकर आपको जो भी आवश्यक है वह क्रिया इतनी ही बार आपको करनी पड़े वह क्रिया वह आप करेंगे उसे कहते हैं अभ्यास तो अभ्यास ना तो कौन थे या? अभ्यास से आप कुंती पुत्र आप इसे साध पाओगे आप ये कर पाओगे अभ्यास के साथ साथ और एक चीज की आवश्यकता है जैसे कभी कभी कुछ कुछ पेय होते हैं ना कुछ कुछ पेय जल होते हैं पेय पदार्थ होते हैं जो आप पीते हो ड्रिंक्स जिसे कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स नींबू पानी नींबू शरबत तो उसमें खट्टा मीठा होता है खट्टा मीठा का अर्थ होता है वो मीठा होता है और उसमें थोड़ा सा खट्टा खट्टापन भी होता है तो वो ज्यादा जो है जि को स्वाद देता है तो यहां पर अभ्यास के साथ साथ अभ्यास मीठी प्रणाली है उसके साथ वैराग्य खट्टा खट्टापन उसके साथ तो ऐसे खट्टे मीठे प्रयोग से जो तो चंचल मन है उसको नियंत्रित किया जा सकता है भगवान कह रहे हैं तो वैराग्य वैराग्य का यहां पर अर्थ है राग का अर्थ है आसक्ति तो वैराग्य का अर्थ होता है आसक्तियों से अनासक्त जितने भी आसक्तियां हैं संसार में उससे अनासक्त हो जाना अभ्यास के अलावा और जितनी भी आसक्तियां हैं जो अभ्यास करने में आपको अवरुद्ध कर रहे हैं रोक रहे हैं ऑब्स्टिकल बन रहे हैं अवरोध बन रहे हैं उन सारी चीजों से अनासक्त होना पड़ेगा उसे कहते हैं वैराग्य यहां पर वैराग्य से यह भी सिद्ध हो रहा है कि जब अभ्यास करते हुए आप थोड़ी प्रगति करते हो तो उस प्रगति से जो आपको थोड़ा बहुत एक गर्व होने लगता है या आपके मन में छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त करके जो आलस्य आता है वैसे गर्व और आलस्य से भी अनासक्त होना कभी कभी होता है ना कि दसवें मंजिल मन्जि तक व्यक्ति को चलना है तो तीसरे मंजिल चौथे मंजिल तक पहुंच कर उसे लगता है कि हाँ हमने कितना कुछ जो है पराक्रम कर दिखाया और यह सोचकर व्यक्ति वहीं पर बैठ जाए आलस करने लगे तो फिर दसवें मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा दसवें फ्लोर तक पहुंच ही नहीं पाएगा वह व्यक्ति इसलिए इस प्रकार का एक आ, कंफर्ट जोन जिसे कहते हैं एक आरामदायी एक भावना कि अब आराम कर लेते थोड़ा इन चीजों से भी वैराग्य तो अभ्यास क्रम में जो भी अवरोध हो उससे विरक्त तो होना उससे अनासक्त तो होना उसे त्याग देना इसको कहते हैं वैराग्य 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 नही अभ्यास ना और ना। तो अभ्यास के साथ साथ वैराग्य द्वारा जब ऐसे ऐसी दिनचर्या हम अपना लेते हैं या इसी को हमारे दैनिक दिन जो क्रम है वह हम बना लेते हैं तो उसे कहते गृहियते ऐसा जीवन जीना गृहियते तो जब व्यक्ति ऐसे चर्चाएं चर्चाओं में भाग लेता है तो उसका जो भोगी मन है तुरंत सतर्क हो जाता है कि भाई अगर अभ्यास में ही मन लगाना है बाकी चीजों से वैराग्य कर लेना है जीवन में बचाई क्या जीवन में तो कोई आनंद नहीं रह गया तो उस समय अपने तार्किक बुद्धि का प्रयोग करना है यह विश्लेषण करना चाहिए कि वास्तव में हमारे जीवन में आनंद कभी था और जिसे हम आनंद समझते थे कहीं वह हमारा भ्रम तो नहीं था कारण कि समय के प्रभाव से वह आनंद समाप्त हो जाता है तो ऐसे आनंद को प्राप्त करके कि जो समय नष्ट कर दे या समय समय द्वारा सीमित हो तो वह एक भ्रम हो गया ना क्योंकि वह भूतकाल में हो गया वो आपका पास्ट हो गया और जो भूतकाल में घटनाएं घट चुकी हैं वो आपके जीवन में अब नहीं है उसका अस्तित्व नहीं है आपके जीवन में भूत काल में जो घटी हुई घटना है उसका कोई अस्तित्व नहीं है जीवन में इस प्रकार से वह भ्रम हो गया भूतकाल में जो लोग रहते हैं जो अपने पास्ट में रहते हैं कहा जाता है कि ये लोग जो हैं भ्रम में इल्यूजन में इसलिए अगर मन कहता है कि भाई ये सारी बातें जो है ये हम सुन रहे हैं कि अभ्यास करो वैराग्य ले आओ अभ्यास करो वैराग्य ले आओ तो फिर दुनिया में तो कुछ नहीं बचेगा मतलब दुनिया में हम ऐसा कौन सी चीज है फिर जिसमें हम आनंद ले सकते हैं दुनिया में बाकी लोगों के साथ तो हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं रह जाएगा इस प्रकार के विचार मन ले आता है तो समय अपनी तार्किक बुद्धि तार्किक बुद्धि का अर्थ होता है जो हमें रीजनिंग पावर दिए दिया है जो रीजनिंग क्षमता दी है उसका प्रयोग करना है तार्किक बुद्धि का प्रयोग करके हम मन को समझा सकते हैं कि अब आप हमें भ्रमित मत करो आपके इन भ्रमपूर्ण शब्दों में हम नहीं आने वाले बुद्धि द्वारा हमें ये समझना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर भगवान समझा रहे हैं कि अभ्यास मतलब नियम पूर्वक उन कार्यों को करते रहना जब तक कि मन करने का जो हमारा लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हो जाता और वैराग्य का अर्थ होता है कि बीच बीच में जो से आता है उससे अनासक्त हो जाना या थोड़ी बहुत जो हमें सफलता मिलती है क्रम क्रमशः उससे जो गर्व उत्पन्न होता है या कोई अभिमान उत्पन्न होता है वो मिथ्या है उससे भी अनासक्त होना और साथ ही साथ उन सारे अवरोधों से अनासक्त हो जाना या उन सारे कारणों से अनासक्त हो जाना जिनके प्रति मन आसक्त है संसार में क्योंकि यह आसक्तियां अभ्यास क्रम में हमें हमारे लिए रुकावट बन रही है वो अवरोधक है तो उससे अनासक्त हो जाना मतलब जो जो चीजें खाते हुए स्वाद जिसका लगते हुए हम भूल जाते हैं कि मन को स्थिर करना है जिन जिन चीजों को सुनते हुए हम भूल जाते हैं कि मन को स्थिर करना है जिस 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 वस्तु व्यक्ति को स्पर्श करते हुए हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि मन को स्थिर करना है या जो भी ऐसे आकर्षणीय सुगंध होते हैं जो हमें भ्रम में डाल देते हैं जो भी हमें दिखाई देता है जिसको हमें लगता है कि कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं और मन भ्रम में पड़ जाता है, मन हो जाता है इन चीजों से अनासक्त होना पड़ेगा हमें ऐसे नहीं कि हमें सब कुछ अपने इंद्रियों को हमें पूरी तरह से बंद कर देना है उनको निष्क्रिय कर देना ऐसी बात नहीं है बात यह है कि इंद्रियों द्वारा जो विषय वस्तु के प्रति एक आसक्ति होती है इंद्रियों का जब विषयों से संपर्क होता है तो मन में भोग करने की जो हमारी अभिलाषा जागृत होती है उस अभिलाषा से हमें अनासक्त होना तो छोटा सा उदाहरण देते हैं जैसे सोचिए पार्किंग एरिया में बहुत सारी गाड़ियां हैं लेकिन आप खाली अपनी गाड़ी के प्रति जो हो आसक्त होते हो बाकी गाड़ियों के प्रति आसक्त नहीं होते हो। आप जब पार्किंग लॉट में जाते हो तो कितनी सारी गाड़ियों को आप ढूंढते रहते हो कि सोचिए आपके मित्र को आपने अपनी गाड़ी दी थी उसने लाकर पार्किंग एरिया में आपकी गाड़ी पार्क कर दी अब आप जा रहे हो शाम को अपनी गाड़ी अब ढूंढ रहे हो तो कितने सारे आप जो हो गाड़िया देखोगे लेकिन किसी के प्रति आपकी भावना जो है प्रबल नहीं होती क्योंकि आप सिर्फ अपनी गाड़ी ढूंढ रहे तो इस प्रकार से इतने सारे इंद्रियों के जो विषय हैं इतने सारी गाड़ियां जो है आंखों द्वारा देखी जाती हैं या जा सोचिए आप मिठाई की दुकान में जा रहे हो आपको एक, एक विशेष मिठाई की खोज है आप वही मिठाई चाहते हो मिठाई के दुकान में इतने सारे मिठाइयां होती है लेकिन आप उसी चीज को क्योंकि खोज रहे हो तो वही चीज लेते हो उसी प्रकार से सोचिए मॉल में इतने सारे चीजें होती है लेकिन कल क्योंकि समय आपके पास कम है आपको तुरंत जाकर पैकिंग करना है तो आप सिर्फ उस शॉपिंग मॉल के उसी एरिया में जाते हो जहां पर बैग्स होते हैं और वही बैग ढूंढते हो जो आपको चाहिए अन्य चीजों के प्रति आपका मन जो है आकर्षित नहीं होता है, है ना तो इंद्रियों को निष्क्रिय करने की आवश्यकता नहीं है इंद्रियों को उन चीजों को ढूंढने में लगाइए जो आपका लक्ष्य है इस प्रकार से अन्य विषयों से आपका वैराग्य हो जाएगा है ना वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा तो भगवान जो यहां पर सुझाव दे रहे हैं वो अति उत्तम है अब थोड़ा सा और जो है हम विश्लेषण करेंगे ठीक है भगवान यहां पर पहले कह रहे असंशयन बहुत विशेष बात है ये भगवान अर्जुन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं उनका फुफेरा भाई है बहुत ही घनिष्ठ मित्रता है दोनों में एक दूसरे के साथ बहुत आसक्ति है प्रेम है और एक दूसरे के स्वभाव से बहुत अच्छी तरह परिचित है साथ ही साथ भगवान तो भगवान है तो उनसे ज्यादा या उनके जितना किसी का स्वभाव और कौन जान सकता है तो भगवान अर्जुन जी का स्वभाव जानते हैं अर्जुन जी बड़े ही कर्मशील कर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं तो जब वह कहते हैं कि मन जो है आ, उसको नियंत्रित करना बहुत कठिन है तो उनके कहने में और अन्य व्यक्तियों के कहने में बहुत अंतर है क्योंकि अन्य व्यक्ति शायद इतना कर्मनिष्ठ ना हो जितना कि अर्जुन कर्मनिष्ठ है द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य अर्जुन अपने कर्मनिष्ठता के वजह से हुए एक तो उनकी शैली भी थी धनुर्विद्या में तो उनकी शैली थी वो सर्व सर्वो सर्वोत्कृष्ट सर्वोत थी सर्वश्रेष्ठ शैली थी उनकी लेकिन साथ ही साथ उनकी जो कर्मनिष्ठता थी सीखने की उनकी जो उनका जो जुनून था भूख मतलब भोजन पानी नींद सब त्याग कर अर्जुन जी जो हैं, अपना अभ्यास कर्म पूर्ण करते थे या अभ्यास करते थे तो भगवान जानते हैं कि अर्जुन कर्मनिष्ठ है ऐसा व्यक्ति है जो हमारी शारीरिक या मानसिक जो भी आवश्यकता है अर्जुन उन्हें बड़े आसानी से त्याग कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का के प्राप्त करने में एकाग्र हो सकता है अर्जुन इसलिए बहुत कर्मशील है व्यक्ति साथ ही साथ अर्जुन जो है बड़े ही साहसी व्यक्ति हैं। कितना भी प्रसंग कठिन हो जाए कितना भी प्रसंग जो है विपरीत हो जाए अर्जुन जी के साहस में कोई कभी नहीं आती उल्टा वो और साहसी हो जाती तो इतना साहसी व्यक्ति अगर कह रहा है कि मन को नियंत्रण करना कठिन है निश्चित रूप से यह व्यक्ति जो बात बोल रहा है उसमें बहुत उसमें बहुत अर्थ है बहुत मीनिंग है उसके शब्दों में वीर योद्धा है अर्जुन वीर योद्धा का अर्थ है कि कितनी भी विकृत परिस्थिति हो जाए कितनी भी विकराल स्थितियों का या कितने ही दुष्कर या भयंकर परिस्थितियों का सामना करना पड़े युद्धा वीर योद्धा होने के कारण अर्जुन जी निडर होकर उसका सामना करते थे और बड़े ही आ, स्पष्ट वचनी थे अर्जुन वस्तुस्थिति को जानते हुए यथार्थ उसे व्यक्त करते थे वो अर्जुन जो है कभी भी दोगलापन नहीं दिखाते थे मतलब कृष्ण के भगवान की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए अर्जुन जी अपनी व्याकुलता या अपनी कमजोरी नहीं दिखा रहे हैं। दोगलापन नहीं है अर्जुन स्पष्ट वक्ता है परिस्थिति को यथार्थ व्यक्त करते हैं मतलब जैसी परिस्थिति है बस वही बताते हैं उसको कुछ कम ज्यादा कहकर नहीं कहते किसी से ना तो उनको सहानुभूति चाहिए मतलब अनावश्यक सहानुभूति नहीं चाहिए तो ऐसे व्यक्ति को अगर कोई ज्ञान देना हो जब वह व्यक्ति किसी बात आ, पर कर, किसी, आ, को पर जोर देकर या किसी निष्कर्ष को पर जोर देकर वह प्रस्तुत कर रहा है तो उसके निष्कर्ष को सीधे काटा नहीं जा सकता क्यों क्योंकि उसके निष्कर्ष में बहुत समझदारी होती है ऐसे व्यक्ति जो कंक्लूजन देते हैं बहुत सोच समझ के कंक्लूजन देते हैं मतलब कोई सुपरफिशियल बात नहीं कहते कुछ कृत्रिम जो है उनका तो कोई आर्टिफिशियल बिहेवियर नहीं होता है ऐसे व्यक्तियों का तो कोई कृत्रिमता नहीं है कोई कृत्रिम चीज नहीं है अर्जुन जी के स्वभाव में कोई तो आर्टिफिशियलिटी नहीं है अर्जुन जी के स्वभाव में तो ऐसा व्यक्ति जो इतना विचारक हो या इतना अनुभवी हो इतना पराक्रमी हो उसके निष्कर्ष को धुतकारा नहीं जा सकता क्योंकि अगर उसके निष्कर्ष को धुतकारेंगे तो फिर ऐसे व्यक्ति की तरफ से गंभीर प्रतिक्रिया व्यक्त हो सकती है तो भगवान अर्जुन जी की मनस्थिति जानते हुए पहले जो निष्कर्ष अर्जुन दे रहे हैं उस निष्कर्ष को भगवान उसको सपोर्ट कर रहे हैं यह कहकर कि असंशयम जैसे ही भगवान असंशयम कहते हैं तो अर्जुन जी का मन जो है क्योंकि जब मन कोई निष्कर्ष देता है तो आ, एक प्रकार से मन हट्टी हो जाता है मन जो है जब आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाते हो तो उसका अर्थ होता है कि बस अब इसके आगे ना तो कुछ सुनना है ना तो कुछ कहना है ना ही कुछ विश्लेषण करना है यह निष्कर्ष है तो मन इस प्रकार से जिसे कहते हैं ना क्लोज माइंडेड मतलब उसके दरवाजे बंद कर लेता है मन लेकिन जब इस प्रकार से आप किसी के निष्कर्ष के साथ सहमत हो जाते हो या उसे सहमति देते हो तो उसका प्रभाव ये पड़ता है कि उस व्यक्ति को थोड़े थोड़ा सा आप उसे आनंद कह लीजिए या थोड़ा उसे सपोर्ट मिलता है उस व्यक्ति को तो जब मन को ऐसा लगता है कि सपोर्टिंग है मन को ऐसा लगता है कि कोई विरोध नहीं कर रहा है सहमति है तो मन के दरवाजे फिर से खुल जाते हैं। जो मन अभी निष्कर्ष के स्थिति में था या निष्कर्ष जो है एक कंक्लूजन पहुंच गया है या मतलब एक अंत हो गया यहां पर टॉपिक क्लोज्ड है ऐसी स्थिति में जो मन था अब वो मन फिर से ओपन माइंडेड हो जाता है मतलब अब इसके ऊपर मन अगर थोड़ा और विश्लेषण किया जाए तो उसके उसके लिए मन की तैयारी होती है अर्थात मन फिर से कुछ चीज स्वीकारने की स्थिति में हो जाता है ये बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ी मनोवैज्ञानिक ये तकनीक है और भगवान से बड़ा कोई मनोवैज्ञानिक हो ही नहीं सकता यहाँ पर भगवान की जो उनकी आप चपलता कहिए या उनकी आप सेंसिटिव सेंसिटिविटी कहिए भगवान कितने सेंसिटिव हैं भगवान कैसे सभी की जो सूक्ष्म नाड़ी है नाड़ी परीक्षण करके उसे पकड़ लेते हैं इस बात को कहकर असंक्षयम कहकर भगवान जो है अर्जुन जी के अर्जुन जी के से सहमति दिखा रहे हैं क्योंकि अर्जुन जी जो बात कह रहे हैं बात में कोई दो मत नहीं है बात तो सही है मन इतना चंचल होता ही है तो इसलिए भगवान भी कोई दोगलापन नहीं दिखा रहे हैं बस मनोविज्ञान है ये किसी को अगर बात समझाने की ये भी ये भी विवेक बुद्धि है कि अगर कोई बात आपको दूसरे को समझानी है तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से उसे आप समझा सकते हो या किस प्रकार से सामने वाला समझ सकता है इस पर भी आपको विचार करना चाहिए कि सामने वाला कैसे समझ सकता है इस बात को तभी आप उसे उस प्रकार से समझाने का प्रयास करो. अगर आपको लगता है कि आपकी बात इतनी विशेष है कि हर किसी को समझ में आएगी तो आप अपनी तरफ से समझा दोगे लेकिन जरूरी नहीं कि सबको वो बात समझ में आ जाए क्योंकि आप सिर्फ अपने ही दृष्टिकोण से विचार कर रहे हो कि इतने अच्छे से मुझे बात समझ में आ गई तो किसी और को भी हम समझा सकते आपको जो बात समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है अब आप दूसरों को आपको आसानी हो जाएगी समझाने में दूसरा उसे आसानी से समझेगा कि नहीं समझेगा वो अलग विषय है साइकोलॉजी तो में हा यह बहुत जरूरी है समझना मनोविज्ञान तो भगवान अर्जुन जी के स्थिति को जानते हुए बहुत अच्छी तरह से अर्जुन जी से चर्चा कर रहे हैं तो असंक्षयम कहकर भगवान अर्जुन जी को थोड़े से एक उन्हें थोड़ा सा यह फीलिंग दिलवा रहे हैं कि हाँ आप सही हो तो उसमें जब व्यक्ति को यह भावना उसमें ये भावना आ जाती है ना कि वो सही है और वो भी ऐसे व्यक्तियों से आपको यह आ, बैकिंग मिल रहा है जिनको आप बहुत मानते हो जिन व्यक्तियों का बहुत सम्मान करते हो अगर वह वह व्यक्ति वह लोग जो हैं आपसे कहें कि आप सही हो आपके आपकी बात से सहमत हो जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है और उस समय मन का हट्ठीपन जो है वो तो दूर चला जाता है। उसके बाद भगवान उस आ, उनको संबोधित करते हैं महाबाहो कहकर अब यहां पर थोड़ा सा यह व्यंग्य दिख रहा है कैसे तो स्पष्ट व्यंग्य नहीं है कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन आप तो हो महाबाहु मतलब आप महाबली हो बाहुबली हो आप में विषम सामर्थ्य है अद्भुत सामर्थ्य है तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिए तो असंक्षम कहकर अर्जुन जी का थोड़ा सा डिफेंस जो है जो जो उनका मन जो है है उनका मन बंद हो चुका था कोई और चीज ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था असंक्षम कहकर उन्होंने वो डिफेंस जो है दूर कर दिया अर्जुन को मान जैसे कि निशस्त्र कर दिया भगवान ने और अब अर्जुन जी का जो उनके उनका जो सामर्थ्य है उसके प्रति जो उनका अभिमान होना चाहिए उसे जागृत कर रहे हैं भगवान अर्जुन जी को अभिमान ही नहीं बनाना चाहते भगवान लेकिन जो उनका अभिमान अपने सामर्थ्य के प्रति या अपने शौर्य के प्रति जो उनका अभिमान था वो अभी दब चुका है उसे पुनः जागृत कर रहे हैं भगवान कहकर महाबाहो अर्थात भगवान स्मरण करवा रहे अर्जुन जी को कि आप एक व्यो आप एक वीर हो आप एक योद्धा हो और अगर कोई योद्धा किसी भी युद्ध में पहले ही हार मान ले तो ये उसे शोभा नहीं देती भले ही वह अपने मन के साथ युद्ध कर रहा हो तो शोभायमान उसके लिए यह है योद्धा के लिए कि वो युद्ध करे और कैसे युद्ध करना है वह आगे दो शब्दों से भगवान सूचित करेंगे अभ्यास और वैराग्य महाबाहो कहकर भगवान जो है मतलब जो एक मनोवैज्ञानिक अप्रोच है उसका जितने भी सूत्र हैं जितने भी उसके टूल्स हैं भगवान उसका प्रयोग कर कि अब अर्जुन जी को निश्चित लगेगा कि हां इतने आसानी से हार नहीं मानना चाहिए इसने आसानी से उस निष्कर्ष को नहीं अपनाना चाहिए जिसमें हार लिखा हो युद्ध करने का प्रयास करना चाहिए तो इसलिए व्यंग जहां पर दिखाई पड़ रहा है वो यह है मानो भगवान थोड़ा सा मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि अर्जुन अगर आसान होता और तुम वो कर लेते तो उसमें क्या बात है दुष्कर है तुम वो कर रहे हो तो फिर ये बात जो है ये योग्य है ना कोई दुष्कर कर्म हो और वह कर्म तुम कर रहे हो तो फिर तुम्हें शोभा देती तो इसलिए अगर मन के साथ तुम जूझ रहे हो तो यह बात तुम्हें शोभा देगी क्योंकि पराक्रमी व्यक्ति के लिए उसका वैसे ही कर्म जो है शोभा देते हैं जो अत्यंत पराक्रम हो तो यह पराक्रमी व्यक्ति है और अगर वो जाकर अपने बगीचे में से कोई फूल तोड़ के लेकर आता है तो उसमें कोई बड़ी उसमें कोई बड़ा बड़ी बात नहीं पराक्रमी व्यक्ति है और अगर वह व्यक्ति जो है केला खाने के पूर्व केले के छिलके को निकाल लेता है कौन सी बड़ी बात है उसे हालांकि अगर कोई व्यक्ति सोचे किसी के हाथ की क्षमता जो है चली गई थोड़ा सा पैरालाइज हो गया है धीरे धीरे आ, आ, शक्ति वापस आ रही है और वो व्यक्ति अगर केला छिलका निकाल रहा है उधेड़ रहा है छिलके को तो फिर बड़े पराक्रम की बात हो जाती है ना अगर उसको उधेड़ रहा है तो बहुत पराक्रम की बात होती है लेकिन अगर कोई बाहुबली है और अकेले के छिलके को उधेड़ता है निकालता है छिल रहा है कोई पराक्रम की बात नहीं तो महाबाहो शब्द से भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन मन के साथ युद्ध करने में ही तो अर्जुन का नाम जो है लिया जाएगा ना कि अगर कोई व्यक्ति है जो मन के साथ युद्ध कर सकता है तो वो कौन हो सकता है अर्जुन अर्जुन हो सकता है हाँ अगर खाली आपको आलू छिलने तो उसमें वो तो कोई भी साधा अन्य व्यक्ति भी कर सकता है उसके लिए कोई इसके पास दिव्य अस्त्र हो ऐसे व्यक्ति की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना तो आपके जैसे शोर योद्धा के लिए यह कार्य शोभा देती है महाबाहो शब्द से भगवान अर्जुन जी का जो उनकी क्षमताओं के प्रति उनका विश्वास होना चाहिए वह भगवान पुनः जागृत कर रहे हैं वो भगवान जो है उसे पुनः उकसित कर रहे हैं पुनः उकसा रहे हैं उस भावना को कि आप अपनी क्षमताओं को मत या अपने क्षमताओं के प्रति दुर्लक्ष मत कीजिए तो इस प्रकार से असंशयम महाबाहो कहकर अर्जुन जी को संबोधित कर रहे हैं महाबाहो से यह भी स्पष्ट किया जा रहा है असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रह चलम ये बात सिद्ध किया जा रहा है कि वही व्यक्ति मन के चपलता को समझ सकता है जिसके पास क्षमता होती है कि वह मन के इस चपलता को रोक सके या उस पर निरोध कर सके मन के इस चंचलता को तो जो व्यक्ति विश्लेषण करना जानता है और विश्लेषण करके समझ जाता है कि परिस्थिति कितनी कठिन है उसी व्यक्ति के पास क्षमता होती कि विश्लेषण द्वारा उससे बाहर कैसा निकला जाए उस परिस्थिति पर प्रभावी कैसे हो सके उसी व्यक्ति में वो क्षमता होती तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि आप अपने विवेक द्वारा जिस विवेक का आपने प्रयोग किया है उसी विवेक द्वारा आप जो है अपने सामर्थ्य पर भी ध्यान दें आपका सामर्थ्य है और हर जीव में सामर्थ्य है कि वह अपने मन पर नियंत्रण कर सकता है क्योंकि जीव हर जीव जो है भगवान का अंश है इसलिए अपना आत्मस्वरूप दर्शन करना और परमात्मा के ब्रह्मस्वरूप का दर्शन करना यह बहुत आवश्यक होता है तभी व्यक्ति को समझ में आता है कि मन के ऊपर नियंत्रण करना कितना आसान है और कितना ही नेचुरल है कितना ही स्वाभाविक है मन पर नियंत्रण करना तो इन दोनों शब्दों से भगवान विशेष करके महाबाहो शब्द से भगवान यह सूचित करना चाहते हैं कि हे अर्जुन आपको तुरंत जो है मन को निग्रहित करने का प्रयास करना चाहिए मन का दमन करने का प्रयास करना चाहिए मन को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए अब आप समय मत गवाइए इस विचार में कि मन कितना ज्यादा चंचल है इस बात में आप समय मत गवाइए उसको नियंत्रित करने का प्रयास करें अच्छा और एक जो विश्लेषण किया जा सकता है चर्चा की जा सकती है वह है संसार की बहुत ही प्रचलित एक धारणा कि अभी यह सब करने की क्या जरूरत है अरे अभी तो भगवान ने हमें गृहस्थी जीवन दिया हुआ है पारिवारिक जीवन दिया हुआ है सामाजिक जीवन दिया हुआ है ये सब कर लो इसके बाद ये सब कर कर जब मन जो है ऊब जाएगा और अपने आप वैराग्य आ जाएगा तब भगवान के भगवान का नाम जप करना तब गीता का पाठ करना बहुत प्रचलित हो गई ये धारणा कभी कभी कम उम्र में जब कोई व्यक्ति अध्यात्म में रुचि लेने लगता है तो उसके आसपास की जितने भी लोग संसार जो है उसको समझाने पर तुला हुआ है कि अभी इतना सोचना नहीं चाहिए इसके बारे में अभी तो पहले दुनियादारी कर लो पहले ये तो भोग लो उसके बाद जब बूढ़े हो जाओगे तो अपने आप जो है वैराग्य आ जाएगा तो ये अपने आप वैराग्य आ जाएगा यह बात इतनी हास्य ना एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अपने आप वैराग्य कैसे आ जाएगा भाई एक बार एक नौजवान व्यक्ति जो है वो अपने माता पिता से कहता है कि हम वैराग्य बनना चाहते हैं तो उसके माता पिता जो है थोड़े से घबरा जाते हैं उसको समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन वो तो कहता है कि नहीं नहीं हमें बात समझ में आ गई हमें वैराग्य ग्रहण करना है उनके माता पिता ने कहा ठीक है अगर तुम्हारी ऐसी बात है हम तुमको समझा देते हैं कि हम आपसे बड़े हैं हमने बहुत दुनिया देखी है अभी आपका मन जो है कह रहा है लेकिन आगे चलकर आपका मन विचलित हो जाएगा फिर आप नहीं कर पाओगे ठीक से इसलिए ऐसा करो कि पहले आप संसार में ही रहो अभी वैराग्य मत लो संसार को आप भोगो और फिर जब आप रिटायर हो जाओगे तब आप वैराग्य अपना ले तो उस युवक ने कहा बात तो आप बड़े पते की कर रहे हैं योग्य बात कह रहे हैं तो उसने कहा कि ठीक है आपकी बात हम मान लेते हैं बशर्त एक शर्त है आपने कहा कि रिटायरमेंट में आपने वैराग्य लेना चाहिए अभी आपने संसार को भोगना चाहिए तो ठीक है हम संसार भोगने के लिए तैयार हो जाते हैं आप रिटायर हो चुके हैं आप वैराग्य ले लीजिए जब उनके पिता ने और मां ने ये बात सुनी तो उनको समझ में आ गई कि भाई ये तो हमने गलती कर दी क्योंकि अभी वैराग्य लेने की उनकी अभिलाषा थी ही नहीं तो चुप हो गए वो तो ये एक कथा रूप में हमने परिस्थिति समझाने का प्रयास किया कि अपने आप वैराग्य आता नहीं जब तक कि आप अपने विचार बुद्धि का प्रयोग नहीं करते तब तक वैराग्य नहीं आता है और जो व्यक्ति अपने विचार बुद्धि का प्रयोग करता है उसे किसी भी उम्र में वैराग्य आ सकता है उसके लिए जरूरी नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद या बुढ़ापे में यह सब करने की ये सारी बातें जो है ना ये धारणाएं जो है उन लोगों की धारणाएं हैं जिनके मन में अक्सर वैराग्य की बात भयभीत कर देती है उन्हें कि भाई वैराग्य हो जाएगा तो फिर संसार में इतने सारे सुंदर सुंदर चीजें हैं वो सब छूट जाएंगे तो नहीं वैराग्य जो है अपने आप नहीं आता है और अपने आप वैराग्य आने का आने के बाद आप अभ्यास शुरू करेंगे ये भी संभव नहीं है उसके पीछे कारण बता भगवान ने जिस प्रकार से शब्द प्रयोग किया है बड़ा योग्य है तो ये ये भी बात जो है ये समझने की बात है कि संसार में जो लोग वैराग्य आने की प्रतीक्षा करते हैं वो व्यर्थ प्रतीक्षा कर रहे हैं उनकी प्रतीक्षा कभी समाप्त नहीं होगी जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक वैराग्य नहीं आ सकता छोटा सा उदाहरण देते हैं अगर कोई बच्चा है जो सोचे एक विद्यार्थी है चौथी तो क्लास का पांचवी क्लास का उसे परीक्षा देनी है और टीवी पर सीरियल आ रहा है अगर वो बच्चा रुका रहेगा कि अपने आप वैराग्य आ जाएगा टीवी देखते रहता हूँ देखते रहता हूँ अपने आप वैराग्य आ जाएगा जब वैराग्य आएगा तब जाके पढ़ाई करेंगे तो ना तो ना बच्चा सही है और ना ही उसके माँ बाप है वो इस बात को सही मानेंगे अगर वो चाहते हैं कि बच्चे को वैराग्य आ जाए टीवी पर जो सीरियल चल रहा है उससे मतलब तो तो कम से कम परीक्षा ये समय पर वो वैराग्य आ जाए तो उस बच्चे को अभ्यास क्रम में लगाना पड़ेगा उस बच्चे से कहना पड़ेगा बेटा पढ़ाई करो टीवी नहीं देखनी है आपने आपने जाके पढ़ाई करो तो जैसे ही बच्चा पढ़ाई करता है पढ़ाई करते हुए उसे समझ में आता है कि पढ़ाई करने से ही कल परीक्षा में कुछ क्रमांक आएंगे नहीं तो पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ याद नहीं आएगा उस बच्चे को जैसे ही बात समझ में आ जाती है तो अपने आप टीवी से उसका वायर हो जाता है एक दिन के लिए दो दिन के लिए लेकिन सोचिए वही बच्चा जो है बैठे बैठे विचार करे कि नहीं जी टीवी कार्यक्रम देखते देखते जब बोर हो जाएंगे ना तो फिर फिर उसका पढ़ाई करने जाएंगे कभी बोर नहीं होता संभव ही नहीं इसलिए जब तक वह थोड़ा सा दृढ़ निश्चय नहीं हो जाता व्यक्ति दृढ़ निश्चय होकर वह तो व्यक्ति जो है ने अभ्यास क्रम में लग जाता है और अभ्यास करते हुए इतनी पढ़ाई और बाकी है भाई नहीं 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 अभी तो टीवी नहीं देख सकते तो पढ़ाई खूब करनी है काफी पोर्शन कवर करना है तो जब उसे समझ में आ जाती है बात की कि कितना उसे अभ्यास करना है कितना कितनी उसे पढ़ाई करनी है तो अपने आप वैराग्य आ जाता अब यहां पर हम कह रहे हैं अपने आप वैराग्य आ जाता मतलब अभ्यास करने की वजह से वैराग्य आता लेकिन अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे आप पढ़ाई नहीं करेंगे और रुके रहेंगे कि भाई पहले वैराग्य आ जाए उसके बाद पढ़ाई करेंगे वो होता नहीं हम्म तो इसलिए पहले भगवान कहते हैं कि अभ्यास पहले आपने अभ्यास करना है जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही अनावश्यक चीजों के प्रति आपका वैराग्य उत्पन्न होगा वैराग्य के लिए रुकना और उसके बाद अभ्यास करना वो उसी प्रकार से है कि फसल की अपेक्षा करना बिना बीज बोए अगर आप बीज ही नहीं बोएंगे तो आपको फसल कैसे आएगा उसी प्रकार से अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो वैराग्य भी नहीं आ वैराग्य भी नहीं होगा अभ्यास करते हुए पता चलता है कि अभ्यास में इतना समय देना है तो अन्य चीजों के लिए हमारे पास समय नहीं है तो अन्य चीजों से आपका वैराग्य उत्पन्न होने लगता है पहले जबरदस्ती से और फिर स्वाभाविक पहले जो है फोर्सफुल आपको उन चीजों को त्यागना पड़ेगा उसके बाद नेचुरली उन चीजों से आपका मन हट जाएगा लेकिन फोर्सफुल त्यागने के लिए आपको ऐसे क्रम करने पड़ेंगे जो आपको लगेगा कि बहुत जरूरी है बहुत आवश्यक तो आपको अपने जो नेसेसरी ड्यूटीज हैं जो नेसेसरी कर्तव्य हैं, जो आपके लिए आवश्यक कर्तव्य हैं, वह आपको करने पड़ेंगे तब जाकर इन चीजों के प्रति जो चीज उस समय अनावश्यक है उसके प्रति अनासक्ति आ जाएगी अनावश्यक चीजों के प्रति अनासक्ति और वैराग्य उत्पन्न होता है तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि अभ्यास करते हुए अन्य चीजों के प्रति अनासक्ति आने की संभावना अधिक है। पहले समय के अभाव अभाव की वजह से अनासक्ति आएगी उसके बाद अभ्यास में क्योंकि आपका मन लग रहा है इसलिए स्वाभाविकतः नेचुरली आपकी आ जाए अन्य अन्य जो भी विक्षेप है जो भी डिस्ट्रैक्शन है उनके प्रति नेचुरल जो है आपका वैराग्य आ जाए तो यहां पर इस प्रकार से अभ्यास और वैराग्य का भगवान भगवान जो है सुझाव दे रहे हैं और जब अभ्यास करते 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 आप अभ्यास में इतने स्थिर हो जाओगे अभ्यास में इतने स्थिर हो जाओगे मतलब जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वही आपके लिए जो है अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा वही आपका आपकी दिनचर्या हो जाएगी तो फिर आपका वैराग्य भी स्थायी हो जाएगा श्री प्रभुपाद जी संदर्भ में समझाते हैं कि भगवान का स्मरण करना यह सबसे अच्छा अभ्यास है और भगवान के स्मरण करने में जब धीरे धीरे मन लगता है तो अपने आप संसार के प्रति विरक्ति आ जाती है धीरे धीरे भगवान का स्मरण करने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान का नाम स्मरण करना और भगवान की कथा श्रवण करना भगवान की जब लीलाओं का लीला जो लीला कथा है उसका हम श्रवण करते हैं और भगवान के भक्तों के के चरित्र का हम श्रवण करते हैं किस प्रकार से उन्होंने भगवान की सेवा की तो हमारे मन में भी भगवान के प्रति सेवा भाव जागृत होती है फिर सेवा करने के क्रम शुरू होते हैं जब व्यक्ति सेवा करने लगता है तो उसमें मन लगने लगता है और जब व्यक्ति सेवा में मन लगाता है तो संसार के भोग के प्रति उसका मन अनासक्त हो जाता है उसकी शुरुआत होती है श्रवण से और कीर्तन से भगवान का नाम स्मरण कीजिए भगवान की कथा श्रवण कीजिए और भगवान के आ, नाम का गुणगान कीजिए मतलब मुख से भगवान का नाम लीजिए या भगवान की लीला स्तुति कीजिए भजन गाइए भगवान की स्तुति करते हुए स्तोत्र गाइए जिसमें भगवान की स्तुति की गई है नाम संकीर्तन कीजिए तो श्रीला प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस प्रकार से जो कृष्ण भावना है वह बड़ा बड़ा ही बहुत ही योग्य प्रणाली है विशेष करके आज के युग में यहाँ पर ध्यान योग के प्रणाली के अनुसार जब आपको वैराग्य शुरुआत से मतलब आपको परिवार छोड़ना है आपको खान पान में जो भी स्वादिष्ट चीज है वो त्यागना है यम नियम का पालन करना पड़ता है ना तो ये ये जो प्रणाली है क्योंकि कठिन है इसलिए जो भक्ति योग की प्रणाली प्रणाली है जहां पर आप वही आप स्वाद उस चीज का लेते हो जो भगवान को भोग लगाया गया तो भगवान का प्रसाद खाते खाते जिह्वा को आदत पड़ जाती है इससे भगवान का प्रसाद ग्रहण करो क्योंकि भगवान का प्रसाद जो है वो शुद्ध सत्व है भगवान की कृपा है तो फिर संसार के बाकी जितने भी स्वाद हैं उससे मन हट जाता है फिर प्रसाद रूप में आप खाली खिचड़ी क्यों ना खाए वह आपको स्वादिष्ट लगता है और छप्पन भोग भी आपको दिया जाए संसार में जो भगवान को भोग नहीं लगाया है तो उसमें मन आसक्त नहीं होता प्रसाद के रूप में अगर कोई द्वेषी व्यक्ति आपको जहर भी दे दे विष भी दे दे तो वो भी स्वादिष्ट लगता है लेकिन भगवान को अगर भोग नहीं लगाया गया हो और अमृत भी प्राप्त हो तो उसके प्रति मन तनिक भी आकर्षित नहीं होता लोभ नहीं होता ऐसे अमृत के प्रति जो तो भगवान को भोग नहीं लगाया गया हो तो कितना आसान है ये प्रणाली कि भगवान का भजन करो भगवान को भोग लगाया हुआ ही आस्वादन करो प्रसाद के रूप में कृष्ण कथा श्रवण करो कृष्ण स्तुति करो भगवान का नाम जो है नाम स्मरण करो भगवान का नाम संकीर्तन करो तो ये जो भक्ति योग की प्रणाली है ये इतना मतलब इत, इसे कहेंगे इतनी जरूरत है इसकी आज के युग में कल युग में और इसलिए बुद्धिमान जीव जो है भगवान के नाम स्मरण में लग जाते हैं। अच्छा कुछ ज्ञानी होते हैं जो तो ये कहते हैं कि भगवान का स्वरूप नहीं है भगवान निराकार है भगवान का नाम भी निराकार है निर्गुण है उनका कहना है कि कोई स्वरूप नहीं है कोई गुण नहीं है बस ऐसे ही गुणहीन आकारहीन कोई अस्तित्व है अब गुणहीन आकारहीन अस्तित्व की कल्पना करना भी कितना कठिन है अगर आपको रसगुल्ला दिखे और कोई कहे कि नहीं नहीं आपको उस उस चीज का स्वाद करना चाहिए जिसका कोई रूप नहीं है तो भाई रसगुल्ले का स्वाद तो ज्यादा आसान दिखता है ना करना तो ऐसे निराकार निर्गुण जो भी तत्व ज्ञान है सबसे पहले तत्व के दृष्टिकोण से वो पूरे पूर्ण ज्ञान नहीं है अपूर्ण ज्ञान है लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है से पूर्ण ज्ञान के रूप में जो है समझाने का प्रयास करते हैं पता नहीं कैसे अपूर्ण ज्ञान को पूर्ण सिद्ध कर देंगे वो जब निराकार कहा गया है भगवान को उसका अर्थ है कि उनका भौतिक आकार नहीं है लोगों को लगता है ना कि भगवान का स्वरूप हमारी तरह है लोग ये नहीं जानते कि हमारा स्वरूप जो है भगवान पर के स्वरूप के आधार पर है भगवान के स्वरूप के अनुसार हमारा स्वरूप है खाली अंतर यह है कि बड़ा ही एक चीप क्वालिटी का इमिटेशन है हमारा स्वरूप क्योंकि भगवान का स्वरूप दिव्य है नित्य है अव्यय है और हमारा स्वरूप कैसा है हमारा स्वरूप है नश्वर अस्थिर मृत्यु यह हमारा स्वरूप है निरानंद तो अगर भगवान के स्वरूप में हमें ढाला गया है लेकिन वो जो भौतिक प्रकृति ने हमें वो स्वरूप में ढाला है ना वो तो बड़ा ही डुप्लीकेट माल है बड़ा एक घटिया किस्म का डुप्लीकेट माल है हमारा स्वरूप तो कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि भगवान का स्वरूप जो है हमारे स्वरूप के अनुसार है लेकिन हमारा स्वरूप क्योंकि इतना भद्दा है तो भगवान का स्वरूप नहीं होना चाहिए तर्क ही गलत है तर्क बिल्कुल गलत है हमारे स्वरूप के अनुसार भगवान का स्वरूप हो ही नहीं सकता भले ही भगवान जो है दो हाथों से बांसुरी बजाते रहे लेकिन वह स्वरूप हमारे स्वरूप के अनुसार हो ही नहीं सकता है कि भगवान नित्य बांसुरी बजाते हैं हम जो है तीस चालीस साल तक बजा पाएंगे तब उसके बाद सांस लेना मुश्किल हो जाता है अस्थमा हो जाती बीमारी हो जाता है बुढ़ापा आ जाता है खत्म हम नहीं कर पाते उसके बाद तो जब शास्त्र में भगवान के स्वरूप को निराकार निर्गुण कहा गया है उसका अर्थ है उनका दिव्य स्वरूप है दिव्य दिव्य गुण युक्त है वो। तो ऐसे निराकारवादी जो हैं वह अगर अपने मन को स्थिर करना चाहते हैं चीज का चिंतन करेंगे चिंतन करने के लिए कोई विषय तो चाहिए ना निर्गुण का कैसे चिंतन करेंगे आप निराकार का कैसे चिंतन तो उसी चीज की जाती है जिसका कोई गुण हो कोई स्वरूप हो इसलिए भक्ति में भगवान का दिव्य स्वरूप और दिव्य गुणों का उल्लेख किया जाता है जिस पर चिंतन की जाती है उसी प्रकार से भगवत भगवत नाम जो है वो दिव्य स्वरूप है उसका दिव्य गुण है जैसे शब्द में शब्द एक ध्वनि है ना खाली शब्द है लेकिन उस शब्द में रूप गुण सब प्रतीत होता है खाली उदाहरण दे रहे हैं समझने के लिए वैसे ही जैसे हमारे माँ के साथ हमारे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं जब हमारी भावनाएं भगवान के साथ जुड़ जाती हैं तो भगवान शब्द हमारी भावना जो है कृष्ण के साथ जुड़ जाती है कृष्ण शब्द हमारी भावना जो है राम शब्द के साथ जुड़ जाती है राम के साथ जुड़ जाती है तो राम शब्द जो है वो रूप गुण सब दर्शाता है लेकिन जब छोटा बच्चा होता है उसे कहते हो मां बोलो मां बोलो तो बार बार बोलते रहते हो तो बोल देता मां लेकिन उस मां शब्द से रूप और गुण अभी तक जुड़ा नहीं है ये धीरे धीरे जब बच्चा जो है थोड़ा सा विवेकी होता है उसका उसका उसकी उसकी, उसकी बुद्धि जो है थोड़ी बहुत विकसित होती है तो मां शब्द के साथ व्यक्ति को जोड़ा जाता है व्यक्ति का जो आपके प्रति प्रेम है उसको जोड़ा जाता है फिर थोड़ा और विकसित होता है थोड़ा बड़ा होता है उसे समझ में आती है वो अध्ययन करता है वो ज्ञान अर्जन करता है समझता है कि माँ ने हमारे लिए क्या क्या किया है अब देखिए माँ शब्द का अर्थ और उससे उस, उस अर्थ से जुड़ा हुआ जो गुण और रूप है कितना स्पष्ट हो जाता है उसी प्रकार से अभी जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो मानो जैसे कि हमारे अभी दूध के दांत भी नहीं आए हैं आ, हम जो है हाथ पैर भी नहीं ठीक से चला सकते हैं अपनी पीठ पर मतलब ऐसी अवस्था है हमारी भक्ति की शिशु अवस्था में इसलिए भगवान का नाम जब करते हैं तो कोई भी भावनाएं उत्पन्न नहीं होती लेकिन जब उस शब्द के साथ साथ जुड़कर अन्य सेवा करते हैं भगवान की जैसे कथा श्रवण करते हैं भगवान की आ, आ, लीलाओं का श्रवण करते हैं उसका गुणगान करते हैं स्मरण करते हैं उस पर आ, भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं श्रृंगार करते हैं भगवान के विग्रहों का भगवान के लिए भोग बनाते हैं भगवान को भोग लगाते हैं तो ये सारे व्यवहार जब करते हैं तो इन व्यवहारों की वजह से हमारे और जब बुद्धि का विकास होता है हम ज्ञान अर्जन और करते हैं और समझ में आता है कि भगवान का अस्तित्व क्या है जैसे जैसे हमारी बुद्धि विकसित होती है कृष्ण भावना में वैसे वैसे भगवान के नाम का जो रूप है गुण है वो प्रकट होता है तो पूरी तरह से भगवत नाम के अलावा व्यक्ति की कोई और अभिलाषा होती नहीं है नाम स्मरण में ही और नाम कीर्तन में ही व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है क्योंकि नाम ही रूप गुण लीला सब व्यक्त करता है व्यक्त करते हैं प्रभु जो हरि नाम है वो व्यक्त करते हैं भगवान का नाम तो यहां पर अभ्यास की बात की जा रही है अभ्यास का अर्थ होता है अभ्यास का स्पष्ट अर्थ निकलता है कि जो कार्य लक्ष्य प्राप्त होने तक नियम पूर्वक आपने करना है उसे अभ्यास कहते हैं लक्ष्य प्राप्ति होने तक अभ्यास का यह मतलब नहीं होता है कि आज दो घंटा कर लिए कल फिर एक घंटा किए परसों जो है बारह घंटा कर लिए इसको अभ्यास नहीं कहते रेगुलेशन होना चाहिए कुछ नियम होने चाहिए नियम पूर्वक आपने करने चाहिए उसको रेगुलेटेड वे में करना चाहिए तब उसे कहते हैं अभ्यास नहीं तो अगर बिना ऐसे किए हुए बिना नियम आ, नियम के बिना रेगुलेशन के अगर हम करेंगे तो उसे कहते हैं मनमोजी उसे कहते हैं आलस्य उसे कहते हैं भोग त्याग आज भोग करने की इच्छा हो गई तो आज हमने बारह घंटे नाम जप किया कल त्यागने की इच्छा हो गई तो हमने एक भी भगवान का नाम जप नहीं किया और उसके बाद फिर तर्क करने लगते नहीं परसों हमने ना बारह घंटे किया आज एक भी नहीं किया तो दो दिन का अगर एवरेज निकालते तो छह घंटा कर लिया ना हमने ऐसे व्यक्ति विचार करता है तर्क करने लगता है इसे कुतर्क कहते हैं तो ऐसे कीजिए ना परसों जो है आप दो किलो खाना खा लीजिए फिर दो दिन तक उपवास कीजिए उसके बाद सोचिए हाँ दो दिन उपवास किया और परसों हमने बारह दो किलो खाया था तो तीन दिन मतलब एक आठ सौ ग्राम तो खा ही लिया ना एवरेज के हिसाब से तीन दिन का एवरेज ऐसे थोड़ी होता है, है ना यहाँ पर उपवास जब से भूखे रहने का अर्थ निकाला जा रहा है ठीक है तो अभ्यास का मतलब होता है परमात्मा में मन लगाने का प्रयास करना भगवान में मन लगाने का प्रयास करना नियम पूर्वक लगाना रोज लगाना रोज का एक नियम होना चाहिए अगर आपका नियम है कि जैसे ध्यान योग की प्रणाली जब समझा रहे तो कहा, कहा था ना कि कुछ लोग अगर गृहस्थी जीवन में रहकर ध्यान करना चाहते हैं तो कम से कम दो से तीन घंटा जो है उन्हें अपने ध्यान कक्ष में जाना चाहिए तो नियम पूर्वक अभ्यास होता है। कम से कम दो घंटे तो भगवान का नाम स्मरण करना आवश्यक है शुरुआत में आधे घंटे से शुरू कीजिए लेकिन कम से कम दो घंटे तक तो करने का प्रयास करना चाहिए। तीन घंटा सबसे योग्य है अगर आप गृहस्थी जीवन में रहकर अभ्यास करना चाहते लेकिन ठीक है दो घंटे आप नाम जब कीजिए एक घंटा जो है आप भगवान का जब भगवान की आरती करते हैं दिन में दो बार तो उस समय ध्यान पूर्वक कीजिए वैसे तो आपके तीन घंटे हो जाते हैं ध्यान के <laughs> या आप एक घंटा जो अध्ययन करते हैं भगवत भगवत गीता का अध्ययन करते हैं श्रीमद भागवत का अध्ययन करते हैं तो हो गया वैसे तीन चार घंटे के आपके अभ्यास हो गए नियम से कीजिए दो घंटे नाम जब कीजिए एक घंटा रोज आप नियम से शास्त्र अध्ययन कीजिए तब जाकर तीन घंटे का आपका अभ्यास होगा तो अभ्यास का अर्थ होता है नियम पूर्वक करना आलस्य का मतलब होता है आज कम करना कल ज्यादा करना परसों कम करना मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ये आलस्य है आलस्य का अर्थ यह भी होता है चार महीने तक करना उसके बाद आठ तो अगले चार साल तक कुछ नहीं करना नहीं हमने चार साल खूब किया नाम जब मतलब एक दो लाख नाम जब कर लिया या एक करोड़ नाम जब कर लिया अब जीवन भर कुछ नहीं करेंगे ये कांडी हो गया कर्म कांड हो गया हम सेवा करना चाहते हैं मन स्थिर क्यों करें क्योंकि सेवा करना चाहते हैं इसलिए रोज जो है नियम से निर्धारित कर लें क्या नियम है कितना कितना समय जो है अभ्यास क्रम में लगाना है घंटों के हिसाब से लगाइएगा मिनटों के हिसाब से मत लगाइएगा इतना भी जो है ना हमें धूर्त पता नहीं करनी चाहिए कम से कम दो घंटे तीन घंटे जो है रोज जो है अभ्यास करना चाहिए हमें और निरंतर करना चाहिए अगर हमने निकाल लिया है कि दो घंटे का समय नाम जब करेंगे या सोचिए कि दिन में आधे 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 घंटे के चार सेशंस में आप नाम जब करेंगे तो आधे घंटे का जो आपका सेशन है आधे घंटे जो बैठ रहे हैं उस समय कुछ और मत कीजिए उस समय जो है ध्यानपूर्वक नाम जप कीजिए उसे कहते हैं अभ्यास ऐसे अगर आप करेंगे अभ्यास और कब तक करेंगे जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए लक्ष्य क्या है परमात्मा का दर्शन भगवान का दर्शन करना तो शायद जीवन भर आपको करना पड़े संभव है क्योंकि अगर भगवान का दर्शन भी हो जाता है तो उसके बाद भी आप करते ही रहते हैं जीवन भर आपने करना है दूसरी चीज अभ्यास जब आप करते हैं जो भी आपका अभ्यास कर्म है या जो भी आपका कार्य है क्रिया है आप नाम जब कर रहे हैं माला पर आप भगवान का नाम जब कर रहे हैं है ना एक एक मनी पकड़ कर आप भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं चाहे जैसे इसकोन में हम लोग हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ऐसे प्रत्येक मणि पर नाम जप करते हैं नाम स्मरण कर रहे हैं जाप करते हुए स्मरण कर रहे हैं मतलब उसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं कैसे सुनते हुए ध्यान पूर्वक हम सुनते हैं ध्यान से सुनना भी एक चिंतन है चिंतन की ही प्रणाली है ध्यान से श्रवण करना तो जब हम अभ्यास कर रहे हैं तो जो हमारा लक्ष्य है जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं उस लक्ष्य के प्रति अत्यंत आदर होना चाहिए उस लक्ष्य के प्रति अत्यंत सम्मान होनी चाहिए बुद्धि जो है आदर बुद्धि के साथ ऐसे नहीं कि बिना मन के ठीक है भाई नाम जब करना है वो डालो और करो अरे सोते सोते कर नहीं यहाँ पर अनादर कर रहे हैं कुछ हमारे भक्त होते हैं नींद आती है लेकिन उनको क्योंकि उन्होंने एक, आ, कोई व्रत लिया हुआ है कि कम से कम जो है इतनी माला तो नींद के साथ जूझते हुए वो करते हैं किसी कारण से देरी हो गई कहीं अन्य सेवा में लग गए दिन भर समय नहीं मिला रात में लेकिन अस दृढ़ निश्चय है और भगवान से विनती करते रहते प्रार्थना करते थे भगवान प्लीज कृपा करके हमें शक्ति दे कि हम नाम जब अच्छे से कर सकते तो ये ये जो एटीट्यूड है इस प्रकार का जो हमारा व्यवहार है वो उचित है योग्य है लेकिन बिना सोचिए अनादर करते हुए ठीक है ऐसे माला इधर हिला रहे हैं माला उधर हिला रहे हैं या इधर उधर देख कर नाम जब कर रहे हैं तो कितना अनादर कर रहे हैं किसके प्रति अपने लक्ष्य के प्रति लक्ष्य कौन है भगवान जब भी नाम नाम स्मरण करने के लिए आप बैठे तो आदर पूर्वक ध्यान कीजिए अपने इष्ट देव का अपने प्रभु का भगवान श्री कृष्ण का राधा कृष्ण का स्मरण कीजिए और फिर उस आदर भाव से अपना अभ्यास कीजिए वह आदर सम्मान तभी बना रहेगा जब महत्व बना रहेगा आप अप, अपने लक्ष्य का महत्व बना रहना चाहिए अपने लक्ष्य का अगर महत्व नहीं बना रहेगा तो फिर आदर में भी कमी आ जाएगी रिस्पेक्टफुल वे में बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में चैंटिंग करना चाहिए आदर पूर्वक हमें नाम जप नाम स्मरण करना चाहिए अभ्यास करना चाहिए और क्योंकि उस समय अभ्यास कर रहे हैं तो उन सारे चीजों के प्रति अनासक्त होना चाहिए जो विक्षेप हो सकते हैं प्रलोभन हो सकते हैं डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं चाहे कितना भी मन उनके प्रति आकृष्ट होए दुर्लक्ष करना चाहिए उसके प्रति मन से यह कहना चाहिए कि ठीक है अभी नाम जब कर लें उसके बाद बैठकर आनंद करेंगे भोग करेंगे लेकिन अभी नाम जब कर मन की बात नहीं सुननी चाहिए या जो विक्षेप है जो डिस्ट्रेक्शन है उसके प्रति विरक्ति, उसके प्रति प्रति जो है विरक्ति रखने का प्रयास करना चाहिए विरक्त रहना चाहिए उसके प्रति तो अभ्यास करते समय जो लक्ष्य है जो ध्येय है भगवान का नाम स्मरण करना है भगवान यहाँ पर नाम रूप में हमारी जिह्वा पर विराजे हैं यह ध्यान रखते हुए उसके उसके महत्व को जानते हुए उसमें अपने मन को लगाए मन की वृत्तियों को उसमें लगाए मन की जो चंचलता है उसको भगवान के नाम में लगाने का प्रयास करें मन को कहें कि कितना चंचल होना है भगवान के नाम के प्रति चंचल हो जाए मतलब एक नाम से दूसरा नाम अभी हम कह रहे हैं हरे तो हरे चंचल होना है ना तो अगले बार कहते हैं कृष्ण अब हरे से कृष्ण के ऊपर दौड़ो अगर अस्थिर होना ही है तो हरे से कृष्ण कृष्ण से राम राम से हरे हरे से कृष्ण कृष्ण से राम इस प्रकार से मन की जो वृत्तियां हैं उसको हरी नाम में लगाना है सोचिए अगर कुछ लोग हैं जो खाली राम 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 जैसे जाप करते रहते हैं तो पहला राम फिर दूसरा राम तीसरा राम चौथा राम तो मन को अगर चंचल होना ही है तो पहले दूसरे तीसरे चौथे जो राम नाम है उसमें चंचल हो जाए अस्थिर होना है तो एक से दूसरे दूसरे से तीसरे नाम के प्रति अस्थिरता दिखाए जिस प्रकार से मन की वृत्तियां भी जो है वो भी युक्त तो हो जाती हैं भगवान का नाम जप करने में और दूसरी चीज अन्य विषयों के प्रति जो भी वृत्ति वृत्ति का मतलब होता है आकर्षण वृत्ति का मतलब होता है एक प्रलोभन तो दूसरी चीजों के प्रति जो वृत्तियां है जो प्रलोभन है उसका चिंतन नहीं करना चाहिए उस चिंतन को त्याग देना चाहिए तो ये दो चीज पर अगर ध्यान देंगे तो फिर मन क्रमशः स्थिर हो जाएगा क्यों क्योंकि यहां पर सबसे जो आ, ज्ञानी व्यक्ति है तो सारे ज्ञान का स्रोत है वो इसकी पुष्टिकरण कर रहा है वह कह रहा है अभ्यास न तो कौन थे वैराग्य प्रयोग करके भगवान कह रहे हैं संभव है मन कितना भी चंचल हो अभ्यास करके और वैराग्य रखते हुए उस मन को नियंत्रित किया जाता है भगवान ये भी नहीं कहते कि किया जा सकता है वो कहते हैं कि किया जाता है गृहते चीजों को अपनाइए मन स्थिर हो जाएगा ठीक है ना और कुछ देखते हैं हाँ मन क्यों दूसरे चीजों के प्रति जाता है क्योंकि मन आपको विश्वास दिलाता है कि उसमें आनंद है और क्यों विश्वास दिलाता है वो आपके आपको अपने जीवन के उन प्रसंगों की याद दिलाता है जहां पर आपने उस आनंद की अनुभूति की थी मन में वो बात आएगी हाँ दो दिन पहले ना पूरन पोली खाई थी वाह वो जो है मीठी चटनी खाई थी वाह तो मन उस प्रसंग का पुनः स्मरण करवाता है और उसका स्मरण कराते हुए आपके मन में यह निष्कर्ष ठोस रूप से बिठा देता है कि आनंद है तो नाम जब करते समय मीठी चटनी की याद आ जाएगी नाम जब करते समय पूरण पोड़ी की याद आ जाएगी नाम जब करते समय आमरस याद आ जाएगा ना तो उस समय व्यक्ति को ऐसे प्रसंगों के प्रसंग क्योंकि मन में आते रहते हैं इसलिए हमें जब भी समय मिले अभ्यास में तो हम दो घंटे तीन घंटे ही लगा रहे हैं ना तो अन्य समय पर हमें क्या करना चाहिए अन्य समय पर हमें उचित तर्क करना चाहिए किस बारे में तर्क करना चाहिए इस संसार के वास्तविक स्वरूप पर संसार किस प्रकार से टेम्पररी है यहां पर हर चीज की अनुभूति टेम्पररी है क्षण है संसार का स्वरूप और क्षण है संसार के संसार के वस्तुओं का आनंद क्षण है और ये हम अपने जीवन भर के अनुभवों से प्राप्त कर सकें तो उन सारे अनुभवों को याद कीजिए जहां पर संसार के इस क्षण भंगुर सुख दुख के जो स्वरूप है संसार का वो याद आ जाए किस प्रकार से पेट के लालच की वजह से आप जो है कितने चीज को खाने का प्रयास किए उसमें पैसा भी खर्चा हुआ समय भी गया खाकर आनंद भी मिला लेकिन मन भरा नहीं मन में ये विचार है कि हाँ अगले संडे को फिर से आएंगे या अगले ट्यूसडे को फिर से आकर ये खाएंगे मन में लालच आ गई और साथ ही साथ उन प्रसंगों को भी याद कीजिए जहां पर आ, आ, जो है जिवा के स्वाद के लिए आप पेट भरने के लिए आपने जरूर से ज्यादा खा लिया और पेट खराब हो गया तकलीफ हुई पीड़ा हुई पहले इसमें जो आनंद मिला उसकी वजह से मन में लालच आ गई लालच की वजह से आपके रात की नींद खराब हो गई और दूसरे प्रसंग में पेट खराब हो गया पीड़ा आपको खूब हो रही है दुख दुखरा बहुत है पेट उसके वजह से रात की नींद खराब होगी तो दोनों ही प्रसंगों में रात की नींद खराब होगी मतलब आप आराम से सो ही नहीं पाए तो ऐसे तार्किक बुद्धि से विश्लेषण कीजिए कि किस प्रकार से संसार में जितने भी अनुभव प्राप्त हुए हैं जहां पर कृष्ण के साथ कृष्ण की सेवा में आप लगे हुए नहीं थे सारे प्रसंग जो हैं अंत तो गत्वा आपको पीड़ा ही देते हैं लोभ के रूप में या दुख के रूप में आपको पीड़ा ही देते लालच के रूप में या द्वेष के रूप में आपको पीड़ा देते हैं तो मान प्राप्ति का जो अभिलाषा में व्यक्ति जलता है या अपमान के जो दुख में व्यक्ति तड़पता है उन सारे प्रसंगों को याद कीजिए तर्क और तार्किक बुद्धि से विचार कीजिए कि इस संसार से क्यों आ सकते व्यक्ति जबकि संसार में कहीं भी कभी भी नित्य रूप से व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता तो ऐसे तर्क अगर आप करेंगे तो अपने आप आपके वैराग्य को और जो है स्पूर्ति मिलेगी तर्क करके वैराग्य को और सुदृढ़ बनाइए तर्क करके वैराग्य को और सक्षम कीजिए ऐसा वैराग्य जब आएगा तो अभ्यास में मन और लगेगा और अभ्यास में जितना मन लगेगा उतना ही वैराग्य और सुदृढ़ होगा तो एक दूसरे की पूरक है शुरुआत अभ्यास से होती है वैराग्य आने के लिए अभ्यास को टालते मत जाएं अभ्यास को तुरंत अपनाए वैराग्य भी उसके पीछे पीछे आते रहेगी जैसे जैसे वैराग्य आएगा वो अभ्यास के लिए पूरक है अभ्यास में और मन लगेगा अभ्यास में और मन लगेगा तो और वैराग्य उत्पन्न होगी और फिर मन एक समय पर स्थिर हो जाएगा तो भगवान अर्जुन को यहां पर कह रहे हैं कि महाबाहो अर्जुन निश्चित रूप से मन की आंधी को रोकना अत्यंत कठिन है और तुम इतने शूरवीर हो कि वायु जब आंधी स्वरूप में आती है तो उसे तुम रोक लेते हो लेकिन तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारी वीरता सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है क्यों क्योंकि तुम महाबाह हो वीर तभी कहलाओगे जब दुष्कर दुष्कर कर्मों का सामना करोगे और क्योंकि तुम वीर हो अपने सामर्थ्य को ललकारो अपने सामर्थ्य को जगाओ और मन का जो आंधी है उसे भी रोकने का प्रयास करो उसे उसका भी शमन करने का प्रयास करो और ये संभव है अभ्यास करोगे और वैराग्य अपनाओ तो जो कुछ जो भी परमात्मा का ध्यान करवाने में भगवान का ध्यान लगने में अपने स्वरूप को पहचानने में आवश्यक है उनका अभ्यास करो और इस नश्वर संसार का के प्रति जो भी आसक्ति है उसके प्रति विरक्त हो जाओ चिंतन करो इस संसार के टेम्पररी एग्जिस्टेंस का चिंतन करते रहो और विरक्त हो जाओ ठीक है। चलिए यहां पर रुकते हैं और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है आज के चर्चा से संदर्भ से संबंधित आज के चर्चा के संदर्भ में तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजें आप आपके प्रश्नों का योग्य उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे वैसे भी कमेंट सेक्शन का आप जरूर प्रयोग करें आज अगर कोई बात आपको बहुत पसंद आई होगी तो उसके, आ, उसको आप लिख दें और और एक आपसे निवेदन है कि अगर आपको कोई बात बहुत पसंद आए आपको लगता है कि ये किसी को आप बता सकते हैं तो आज या एक दो दिन में आप दो चार और लोगों को बताएं कि हमने ये सुना था इस बात से हम, हम पर बहुत प्रभाव पड़ा कितना योग्य है ये हमारे जीवन के लिए तो इसका प्रचार कर सकते हैं और जैसे हमने पहले भी कहा कि अगर आप ये फेसबुक पेज पर किसी और को इन्वाइट करना चाहते हैं इन्वाइट कीजिए लिंक भेजा कीजिए यूट्यूब पर भी ये लेक्चर अपलोड होते हैं तो यूट्यूब चैनल है औरंगाबाद मीडिया वहां पर भी लोग जाकर सुन सकते हैं उनको वहां का भी लिंक आप भेज सकते हैं प्रचार प्रसार जरूर करते रहिए लॉकडाउन के समय जो है हमारे पास दूसरों पर दूसरों के साथ फोन पर बात करके या फिर उन्हें लिंक भेज हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं तो ज्ञान बांटते रहना चाहिए अपने तक सीमित मत रखिए अगर आपको कोई बात अच्छी लगी हो तो आगे जरूर बांटें आप कम से कम दो चार लोगों तक तो रोज पहुंचाने का प्रयास करें आप ठीक है ना चलिए प्रश्न देखते हैं एक प्रश्न है कि अभी हमारा एग्जाम है लेकिन कृष्ण कथा सुनने में हमारा हमें अच्छा लगता है पढ़ाई में मन नहीं लगता <laughs> क्या है ना ऐसे ही है कि अर्जुन जी जो है ना पहले अध्याय में कह रहे हैं कि कृष्ण युद्ध करने में मन नहीं लग रहा है हमें लगता है कि हम छोड़ के चले जाएं। पढ़ाई के संदर्भ में पढ़ाई के संदर्भ में हमने पहले ही निर्णय ले लिया है तभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना अब जब वो निर्णय ले लिया है तब तो उसे उस क्रम को हमें पूरा करना चाहिए अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि कोई बहुत ही विपरीत परिस्थिति निर्माण न हो जाए जहां पर करना संभव नहीं है तब तक कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि एक बार निर्णय ले लिया ना हमने अब उसको करके वह करते समय और करने के बाद वो भगवान को आप समर्पित कर कि प्रभु हमने ये काम किया है निर्णय ले लिया था ये काम कर दिया है अब यह आप, आपको समर्पित कर रहे हैं हमारे इस कर्म से आप प्रसन्न हो जाए तो अगर आप कृष्ण कथा सुनने में रुचि रखते हैं तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भगवान को अपना कर्म और कर्म फल दोनों समर्पित करना चाहिए कर्म कैसे समर्पित करें जो संधि में भगवान ने दिए कर्म करने की अगर वो सात्विक कर्म है उससे हमें या अन्य लोगों को भी लाभ मिल रहा है तो उसे सात्विक कर्म कहते हैं जैसे पढ़ाई करना यह सात्विक कर्म है जब व्यक्ति पढ़ाई करता है तो उसके पास उसे सामर्थ्य प्राप्त होता है दूसरों की परेशानी दूर करने में दूसरे की परेशानी कम होती है तो फिर उनको समय मिलेगा भगवान का नाम स्मरण करने में। तो अपने कर्म को आप जो है भगवान को समर्पित करते हुए करें उसका अर्थ है भगवान का स्मरण करते हुए वो कर्म जो है पूरा मन लगा कर करें तो आपकी पढ़ाई जो है आपने मन लगा कर करनी है यह जानते हुए कि भगवान ने आपको एक अवसर दिया है पढ़ाई करने की कोई भी विद्या जो है अगर हमारे जीवन की कठिनाई और दूसरों के जीवन की कठिनाइयों को दूर करके हमें संधि देती है कि भगवान के प्रति समर्पित हो जाए तो सरस्वती माता की कृपा है सरस्वती माता जो सरस्वती देवी है वहां पर प्रकट है और सरस्वती देवी भगवान की वाचा शक्ति विद्या शक्ति है सरस्वती देवी तो बोध शक्ति है ना भगवान की वो शक्ति है सरस्वती देवी इसलिए उन्हें ज्ञान की देवी भी कहा गया है तो अपना कर्म अच्छे से करें आप और तत्पश्चात जब कर्म करके हो जाए परीक्षा हो जाएगी और छुट्टियां मिलेंगी तब आप फिर जो है समय लगाइए और कृष्ण कथा सुनने में भगवत कथा सुनने में है ना छुट्टियों में फिर कहीं और मन मत लगाइएगा ठीक है तो पहले आपने आशा ये करते हैं कि पहले से आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी आपने पहले से पढ़ाई की है या नहीं की है कोई बात नहीं अभी जितना समय आपके पास है उसमें आप ध्यानपूर्वक अपनी पढ़ाई करें यह समझिए कि भगवान ने आपको अवसर दिया है ज्ञान प्राप्त करने का जिससे कि अपने जीवन का और दूसरे के जीवन के आप परेशानियों का हल समझ सके है ना आपको टूल्स इकट्ठा करना है जिससे कि संसार के प्रॉब्लम्स कम हो जाए थोड़े से इसलिए पढ़ाई करते हैं रहते हैं। तो हम आपको बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि आप मतलब आपको बेस्ट विशेष भी देना चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करें अच्छे से अपनी परीक्षा जो है आप दें और परीक्षा हो जाए उसके बाद छुट्टियों में अगर और कोई आपके जिम्मेदारियां नहीं है पूरा समय जो है लगाइए कृष्ण कथा सुनने में और भगवान का नाम स्मरण करने में तो आशा करते हैं कि आपको हमारा उत्तर पसंद आया होगा हरे कृष्ण ये गीता पर ही आधारित है भगवान अर्जुन से भी कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारा कर्तव्य योद्धा हो कर्तव्य है आ, युद्ध क्योंकि अनिवार्य है अभी करते हुए कि इस युद्ध में भाग लो मेरा स्मरण करते हुए अपना कर्म जो है करो और मुझे समर्पण करो अपने कर्म फल भी ठीक है तो बाद में अगर परीक्षा में आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए और लोग कहें कि आप बहुत अच्छा किया शाबाश ये जो कर्म फल है वो भगवान को समर्पित करेंगे प्रभु आपकी कृपा से ही इतनी हमारी स्तुति की जा रही है हमें इतनी के दी जा रही है आपकी कृपा से ही प्राप्त है या आपका है या कहीं पर बहुत की मिल रही है और लोग कहते हैं कि आप दो शब्द कहें तो उन दो शब्दों में आप भगवान की स्तुति कीजिए इस प्रकार से आपका कर्म फल जो है आपने भगवान को समर्पित कर दिया ठीक है चलिए हमने प्रवचन के दरम्यान कहा था कि अर्जुन के अर्जुन के पास विषम सामर्थ्य है तो विषम शब्द का अर्थ क्या विषम शब्द शब्द के अनेक अर्थ निकलते विषम अर्थात थोड़ा सा हटकर थोड़ा सा अलग सम और विषम सम मतलब एक जैसा विषम मतलब एक से अधिक उससे हटकर उससे अलग विपरीत हो सकता है उसके जैसा ही हो सकता है लेकिन वह नहीं है तो उसे कहते हैं विषम तो मोर देन वन तो विषम का अर्थ हो सकता है अद्भुत अनोखा विविध तो यहां पर जब हमने प्रयोग किया था विषम सामर्थ्य मतलब अद्भुत सामर्थ्य अनोखा सामर्थ्य और कोई प्रश्न तो है नहीं अब रुकते हैं यहां पर बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद् गीता की जय श्रील प्रभुपाद की जय